अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, मैं डॉक्टर सैयद सिराजुद्दीन, डायरेक्टर अलफा हॉस्पिटल के जानिब से मुखातिब हूँ। मैं सीनियर सर्जन और जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ यहाँ पे। और आज तक अल्लाह के फजल करम से हर कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन करते आए हैं। हमारी सर्जिकल टीम और एनेस्थीसिया टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने की और उसके सपोर्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ऑपरेशंस भी हम अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे आईसीयू एएमसी के टीम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत है। अब रहा हॉस्पिटल के ताल्लुक से, अल्फा हॉस्पिटल एक मिनी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल 2002 जनवरी को इनॉग्रेशन किया गया है और अब तक हमारी पूरी फैमिली और पूरे कई डॉक्टर्स इस हेल्थ केयर में हेल्थ केयर की खिदमत में पूरे जज्बात और इंटरेस्ट और डेडिकेशन के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऑल अंडर वन रूफ, मतलब ये कि एक छत के नीचे हर मर्ज का इलाज का इंतज़ाम। 22वीं एनिवर्सरी या सालगिरह के मौके पर एक फ्री कैंप का इंतज़ाम किया गया है। हर फ्राइडे 3 से 6 बजे तक हर तरह की इन्वेस्टिगेशंस भी 50% डिस्काउंट के साथ किए जाएंगे। इस कैंप में पूरे कंसल्टेंट्स का भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। इसके लिए हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट के लिए एक्सपीरियंस और काबिल डॉक्टर्स का इंतज़ाम है, जैसा कि डॉक्टर सैयद सिराजुद्दीन सीनियर एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर नवीद सिराज सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सैयद हसनुद्दीन ऑर्थोपेडिक सर्जन, सर डॉक्टर सलमान हादी न्यूरोफिजिशियन उनके कंप्लीट न्यूरोलॉजी टीम के साथ, डॉक्टर निसार याहिया जनरल फिजिशियन, डॉक्टर बासित साहब पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर प्रवीण कुमार सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और कई काबिल और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स इस में खिदमत में अंजाम दे रहे हैं। इस हॉस्पिटल में आरोग्यश्री के तहत कई मर्ज का फ्री इलाज हो रहा है, जैसा कि ऑर्थोपेडिक्स, पल्मोनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल केयर, एक्सीडेंट्स वगैरह। इसके लिए तकरीबन इंश्योरेंस कंपनीज भी इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जिसमें मरीज़ों को कैशलेस यानी कि हॉस्पिटल को कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस का भी काफ़ी शानदार डिपार्टमेंट है, जिसमें 24 घंटे डायलिसिस किया जा रहा है और आरक्षी के तहत मरीज़ों को फ्री डायलिसिस भी बहुत अच्छा किया जा रहा है। इंशाल्लाह आप सबके ताउन से हम और आगे बढ़कर कौम की और अच्छी खिदमत करने का इरादा रख रहे हैं। हम शुरू करे थे फारूकी नर्सिंग होम से मुगलपुरा पे, पहुँचे अल्फा हॉस्पिटल मुगलपुरा पर और इंशाल्लाह एक बहुत बड़े अंदाज का हॉस्पिटल आने वाला है, अल्फा हॉस्पिटल अत्तापुर, जो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत के साथ शहर के मशहूर डॉक्टरों की टीम के साथ बहुत ही नॉमिनल यानि कम चार्जेस पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का इलाज होगा इंशाल्लाह। मैं डॉक्टर नवीद सिराज, ओल्ड सिटी में पिछले 30 ईयर्स से मैं अपने सर्विसेज दे रही हूँ। इनिशियली आई हैव स्टार्टेड, मैं ज़्यादातर हर किस्म की डिलीवरी केस को हैंडल कर सकती हूँ, हर तरीके की डिलीवरी केसेस को हैंडल करते हुए आई हूँ। अब जैसा सीनियरिटी बढ़ गई है, उस हिसाब से मैं ज़्यादातर हाई रिस्क केसेस पे फोकस कर रही हूँ, जैसा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। वैसे पेशेंट्स को इमीडिएट लाउन दूसरे बड़े कॉर्पोरेट सेटअप्स में बहुत ज़्यादा खर्चे में होना पड़ता, यानी तो इमीडिएटली गवर्नमेंट सेटअप में चले जाना पड़ता, जहाँ पर उनको इमीडिएट टाउन मिलता नहीं मिलता। उस वजह से मैं ज़्यादा मेरा फोकस हाई रिस्क पेशेंट्स पे कम से कम खर्चे में इमीडिएट सर्विस कॉम्प्लिकेटेड केसेस को देने के ऊपर फोकस कर रही हूँ। और साथ ब साथ ख़ास तौर से प्राइमरी डिलीवरीज, जो पहलन डिलीवरी के पेशेंट्स हैं, उनके तरफ भी ख़ास तौर से तवज्जो दे रही हूँ, इसलिए कि पहलन बच्चियाँ जो रहते बहुत ज़्यादा नाजुक है
और हैबत खाए हुए रहते, तो उनको किस तरीके से हम बग़ैर तकलीफ एक डिलीवरी को तकलीफ दे अंजाम नहीं देते हुए खुशुमार रास्ता बताते हुए पेनलेस डिलीवरी और सब फैसिलिटीज़ रखते हुए उनको कम से कम तकलीफ़ से सेहतमंद डिलीवरी सेहतमंद बच्चा देने के इतमाद से काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब मेरा फोकस ज़्यादातर गायनिक केसेस पे भी है। आजकल इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आज देख रहे हैं कि नए नए बच्चियों को मतलब कम उम्र बच्चियों को PCODs हो गया और थायराइड्स हो गया, जिसके वजह से प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिले हो जा रही। उसमें भी हम अच्छे से अच्छा इलाज करके प्रेगनेंसी का नेचुरल तरीक़ा इस्तेमाल करने में उन लोगों की गाइडेंस और सहूलतें पेश कर रहे हैं। और कई पेशेंट्स जो काफ़ी साल हो गए जिसको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही, उनको हम लैप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, जो पेशेंट्स बहुत मजबूर होकर IVF की तरफ रुख लेने का कोशिश करते, उनको भी हम ये बता रहे हैं कि अभी IVF आप मत जाइए, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो उसमें हम किस तरीके से लैप्रोस्कोपी से उनके पूरे मरहलों को टैकल करके भी नेचुरल प्रेगनेंसी ला सकते, उस पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और इस कैंप में मैं ख़ास तौर पे ये चीज़ को फोकस करने के लिए डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, जो कि एक मारी फाइनल ट्रीटमेंट है प्राइमरी इनफर्टिलिटी के वास्ते, उसमें भी काफ़ी डिस्काउंट देके ओनली 30,000 पैकेज रख दी हूँ। ये सिर्फ एक अवेयरनेस लाने के वास्ते, इसमें ये नहीं है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट्स का, ये नहीं है। मैं कंसल्टेंट हूँ इसलिए मैं चार्जेस नहीं ले सकती हूँ, हॉस्पिटल मेरा है उसमें हर तरीके से मैं ताउन कर सकती हूँ। इट इज़ ओनली फॉर अवेयरनेस के वी कैन गो द नेचुरल वे फॉर इनफर्टिलिटी ऑल्सो। और रहा आप जो एल्डरली लेडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अपने परेशान हैं अपने गायनिक प्रॉब्लम्स के, उस ताल्लुक से भी हम टैकल कर रहे हैं, जैसा कि बच्चेदानी के इश्यूज़ है, ब्लीडिंग इश्यूज़ है, उनको कंपलसरी हिस्टेरेक्टमी है, तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। और दूसरे प्रॉब्लम्स है, रहम के प्रॉब्लम्स, कमज़ोरी के प्रॉब्लम्स, उसके भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेज़र ट्रीटमेंट्स है, उसमें भी हम ताउन करके ये चीज़ें पेशेंट के अवेयरनेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो हम बहुत बहुत जल्दी सब चीज़ों के ऊपर हावी करते हुए कामयाबी हासिल करेंगे।